सर ये बताइए सर, क्या गारंटी है कि मान लीजिए आपकी सरकार आती है और कम रहती है, अल्पमत में रहती है, क्या गारंटी है? आज मैं कह रहा हूँ आपसे, आज हम लोग पहले अंदाज हमारा था 120 से 130, आज 140 सीटों का मैं कह रहा हूँ। और चुनाव के बाद अलूपुर में आप कहेंगे तो मैं यहाँ के प्रेसिडेंट लेकर बताऊंगा कि 140 ज्यादा आए कि नहीं आए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दिग्विजय सिंह सिंधिया के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। दिग्विजय सिंह फिलहाल अनूपपुर दौरे पर हैं। यहां मीडिया से बात करते वक्त जब मीडिया ने कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्नाटक में तोड़फोड़ ना हो जाए ये सवाल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से किया तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं है, इसलिए कर्नाटक में कांग्रेस सुरक्षित है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत है। आपकी सरकार आती है कम रहती है, अल्पमत में रहती है, क्या गारंटी? आज मैं कह रहा हूँ आपसे, आज हम लोग पहले अंदाज हमारा था 120 से 130, आज 140 सीटों का मैं कह रहा हूँ। और चुनाव के बाद अलूपुर में आप कहेंगे तो मैं यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताऊंगा कि 140 ज्यादा आए कि नहीं आए। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य भारत से भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को जोड़ तोड़ का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार सिंधिया नहीं है। सरकार बनाने जा रही है और भाजपा दक्षिण भारत को इसका सफाया हो गया। और आप मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उससे भी भाजपा का सफाया हो जाएगा। और इस बार इतना बहुमत हम लोग लेके आएंगे मध्य प्रदेश में कि जोड़ तोड़ की गुंजाइश भी नहीं मिलेगी। और अब कोई सिंधिया हमारे पार्टी में नहीं है, इसलिए सिंधिया जी मैं कहूँगा, माफी करें महाराज आप सिंधिया कहते, सिंधिया जी ये हमारी पार्टी में अब कोई नहीं है, इसलिए कोई खरीद फरोख भी नहीं हो। मध्य प्रदेश के हालात 20 साल में इनके कार्यकाल में बिगड़ती जा रही है। 2003 का इनका आप घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, 2008 का देख लीजिए, 13 का देख लीजिए, 18 का देख लीजिए, कौन से वादे इन्होंने पूरे किए? क्या किसानों का कर्जा माफ हो गया? बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इन नतीजों से काफी उत्साहित है, लेकिन ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरती है और जीत का जादू आंकड़ा छुपाती है या नहीं। अनूपपुर से राजेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट, एमपी तक।